आनंद है, अपनी अपनी मस्ती है, इसमें ये नहीं सोचा जाता अरे लोग क्या सोचेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बस बैठे बैठे हम यही सोचते रहे अरे अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, कहीं हमारी बेइज्जती हो गई तो ये कह दिया तो वो कह दिया। अरे हाँ, आप कोई बुरा काम कर रहे हैं तो 100 बार सोचिए, क्यों नहीं सोचना, पर अगर ठाकुर जी के लिए तो लोग कहें मीरा भई बावरी, सास कहे कुल ना शीरे, पर मीरा को कोई नहीं रोक पाया, पग घुंघरू बांध मीरा नाचे। सब 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 खत्म हो जाता है। नृत्य की बात आई है तो थोड़ा कर ले, अब पहले दिन से ही अगर थोड़ी बैटरी चार्ज हो जाएगी ना तो फिर 7 दिन कहना नहीं पड़ेगा, अगर पहले दिन ही ऐसे बैठे रहे तो फिर चार्जिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अब की बार मैं आपके लिए 2-3 गुजराती भजन और भी तैयार करके लाई ताकि आप अपनी भाषा में आनंद से खूब गरबा रमे, डांडिया रमे। जरूर जरूर, बिल्कुल बंगाली भी होगा, मैंने कहा ना आप लिस्ट तैयार कर लेना कौन कौन से प्रदेश से हो, सबकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो शुरुआत एक बड़े कॉमन जो सबको आता है उसी भजन से करेंगे, पूर्व में भी उसमें आप सबने आनंद लिया है। ब्रज की बात चल रही है तो ब्रज की महारानी एक है राधा रानी और दूसरा ब्रज की पहचान है वल्लभी संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय में जिनकी आराधना की जाती है कौन है, श्री यमुना महारानी। तो श्री राधा रानी और यमुना महारानी दोनों को याद करते हुए हम बड़े भाव से आनंद लेंगे। कौन सा भजन है आप समझ गए? हाँ हाँ, सर हिलाए जा रहे हैं, तो आइए सभी आनंद लेंगे फिर आगे कथा में प्रवेश करें। हो मीठे रस से भरो नी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे, ओ मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे भरो नी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मने खारो खारो रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे, ओ माने खारो खारो जमुना जीरो पानी।